नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नाना फडणवीस के बारे में। नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पराजय के बाद मराठा साम्राज्य के पुनर्गठन में पेशवा माधवराव और महादजी शिंदे के साथ नाना फडणवीस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1761 में जब माधवराव पेशवा बने तब मराठा राज्य काफी अस्थिर था। पानीपत की हार ने मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा और ताकत कम कर दिया था। आर्थिक रूप से भी राज्य कमजोर हो चला था। राज्य के अंदर अंदरूनी कलंक भी शुरू हो चुका था। माधवराव के चाचा रघुनाथराव की नजर पेशवा की गद्दी पर था। पूरा दरबार रघुनाथराव के साथ था। ऐसे विकट परिस्थिति में 16 वर्षीय माधवराव ने बालाजी जनार्दन पर विश्वास दिखाया और उन्हें अपना फडणवीस नियुक्त किया। फडणवीस का मुख्य काम राज्य का आय और व्यय का हिसाब रखना था। बालाजी जनार्दन को नाना कहकर पुकारते थे और अब फडणवीस होने के कारण वे नाना फडणवीस कहलाए। बहुत ही कम समय में वे माधवराव के करीबी बन गए। वे न केवल राज्य का हिसाब रखते थे बल्कि समय समय पर पेशवा को सलाह भी देते थे। माधवराव पेशवा का भरोसा नाना फडणवीस पर बहुत बढ़ गया। वे हर फैसले से पहले नाना से सलाह अवश्य लेते थे, तो इस प्रकार वे माधवराव के मुख्य सलाहकार भी बन गए। नाना फडणवीस के साथ और सहयोग के कारण ही माधवराव रघुनाथराव जैसे ताकतवर मराठा सरदार का सामना कर पाए, क्योंकि राघोबा दादा के साथ जितने मंत्री और सलाहकार थे उन सब से नाना फडणवीस काफी ज्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। नाना फडणवीस ने कुशल बुद्धि से पेशवा माधवराव की राज्य संचालन में मदद किया। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने। नारायण राव के अंदर माधवराव का कोई गुण नहीं था। वे बड़े कमजोर पेशवा सिद्ध हुए। इसी का फायदा उठाकर 1773 में राघोबा ने पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दिया और खुद पेशवा बन गए। मराठा साम्राज्य में राघोबा दादा का ओहदा और कद बहुत बड़ा था और साथ में वे महान पेशवा बाजीराव के पुत्र भी थे और मराठा साम्राज्य को अटक तक फैलाने में राघोबा का बहुत बड़ा योगदान था। इस कारण किसी ने भी राघोबा दादा का विरोध नहीं किया और वे पेशवा बन गए। नाना फडणवीस ने भी राघोबा दादा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि रघुनाथ राव के अलावा अब कोई बचा ही नहीं था पेशवा बनने के लिए, और ऐसे परिस्थिति में वे अगर रघुनाथ राव का विरोध करते तो राज्य में अंदरूनी कलंक होता जिसका फायदा बाहरी उठा सकते थे। इसी वजह से नाना शांत रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि नारायण राव पेशवा की विधवा गंगाबाई गर्भवती है, उन्होंने राघोबा दादा को पुणे से बाहर भेजने की योजना बनाई और गंगाबाई की गर्भवती होने की खबर को गुप्त रखा, क्योंकि अगर रघुनाथ राव तक ये खबर पहुंचता तो वे गंगाबाई की हत्या करवा सकते थे। बड़े ही चतुराई से नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को निजाम के विरुद्ध युद्ध के लिए भेज दिया। जैसे ही रघुनाथ राव पुणे से बाहर निकले, नाना फडणवीस ने न्यायमूर्ति रामशास्त्री प्रभुवने से कहकर रघुनाथ राव के विरुद्ध नारायण राव की हत्या का फैसला सुनवाया। रामशास्त्री प्रभुवने ने रघुनाथ राव को मृत्यु दंड की सजा सुनाया, लेकिन ये सजा कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन रघुनाथ राव फिर कभी पुणे नहीं आए। नाना फडणवीस ने मराठा राज्य की संचालन के लिए एक संगठन बनाया जिसमें 12 सदस्य थे। ये संगठन 12 भाई संगठन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 12 भाई संगठन का मुख्य काम नए पेशवा की सुरक्षा करना और मराठा राज्य की संचालन करना था। इस संगठन में नाना फडणवीस, सखाराम बापू और हरिपंत फड़के प्रमुख थे। 18 अप्रैल सन 1774 में गंगाबाई को पुत्र हुआ जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया, और जब माधवराव 40 दिन के थे तब उन्हें पेशवा घोषित कर 12 भाई संगठन राज्य चलाने लगे। दूसरी तरफ राघोबा ने गद्दी वापस लेने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा राज्य का संचालन नाना फडणवीस ने किया।
और युद्ध भूमि में मराठा सेना का नेतृत्व महादजी शिंदे ने किया। नाना की बुद्धि और महादजी के बाहुबल से ये युद्ध मराठों ने जीता और अंग्रेजों ने मराठों से सालबाई की संधि की। सालबाई की संधि मराठों की ओर से नाना फडणवीस को करना था, लेकिन महादजी ने कहा कि मराठों की ओर से वे संधि करेंगे। नाना फडणवीस महादजी को मना नहीं कर पाए। सालबाई की संधि का श्रेय महादजी को मिला और उनका कद और बढ़ गया, जिसकी वजह से दिल्ली दरबार और पुणे दरबार में महादजी का प्रभाव बढ़ने लगा, जिस कारण महादजी और नाना फडणवीस के मध्य मतभेद होने लगे। नाना महादजी को पुणे की राजनीति से दूर रखना चाहते थे। 1795 में मराठों और निजाम हैदराबाद के मध्य खरदा का युद्ध हुआ। ये अंतिम युद्ध था जिसमें सभी मराठा सरदार पेशवा के परचम तले लड़े थे। नाना फडणवीस के कहने पर सभी मराठा सरदार आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ युद्ध लड़े और निजाम को परास्त किया। अक्टूबर 1795 में माधवराव द्वितीय ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना फडणवीस के जरूरत से ज़्यादा दखल और नियंत्रण की वजह से माधवराव तनावग्रस्त हो गए और आत्महत्या कर ली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना ने ही माधवराव की हत्या कर दी। माधवराव के मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बने, जिनके साथ नाना फडणवीस के संबंध ठीक नहीं रहे। 1798 में नाना फडणवीस ने राजनीति से संन्यास ले लिया और 13 मार्च 1800 में उनका निधन हो गया। नाना फडणवीस भले ही अपने अंतिम दिनों में पेशवा पर नियंत्रण रखने लगे और अधिकार अपने हाथों में रखने लगे, लेकिन मराठा राज्य के लिए उनका योगदान बहुमूल्य रहा। उन्होंने मराठा साम्राज्य को ऐसे मुश्किल समय पर संभाला जब वो बिखर सकता था। माधवराव पेशवा के मृत्यु के बाद बिखरते हुए मराठा राज्य को एक सूत्र में बांधे रखा। सभी मराठा सरदार नाना फडणवीस के कुशल बुद्धि और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा रखते थे। इसी कारण आपसी मतभेद होने पर भी नाना के कहने पर सभी मराठा सरदार खरदा के युद्ध में एक साथ लड़े। एक तरफ जहां उत्तर भारत में महादजी शिंदे ने मराठा परचम लहराए रखा, तो दूसरी तरफ दक्षिण में नाना फडणवीस ने कुशल बुद्धि से मराठा साम्राज्य का संचालन किया। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के मृत्यु के बाद से बड़ी तेजी से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ।